इसराइल हमास युद्ध ने पूरे मिडिल ईस्ट को सुलगा कर रख दिया है, जिसकी वजह से लाल सागर, बाबल मंडेप, अरब सागर, हिंद महासागर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये वो इलाके हैं जहां पर यमन का हूती लगातार ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट हमलों से अमेरिका और इजरायली जहाजों को दहला रहा है। दरअसल इस पूरे समुद्री इलाके में अमेरिका और पश्चिमी देशों के कई युद्धपोत तैनात हैं, जिन पर हूती ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हूती का कहना है कि वो इस इलाके से इजरायल और अमेरिका से जुड़े जहाजों को तब तक निकलने नहीं देगा जब तक कि इजरायली सेना गाजा के भीतर युद्ध नहीं रोक देती है। लेकिन हूती पर लगाम कसने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के भीतर हूती के सैन्य ठिकानों पर कई हमले भी किए हैं, लेकिन हूती पर इन हमलों का तिल भर भी असर नहीं पड़ा है। और यही वजह है कि वो अब डंके की चोट पर कह रहा है कि वो अपने हमलों का दायरा बढ़ाने जा रहा है। और इसी कड़ी में हूती ने दावा किया है कि उसने एडन की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में मालवाहक जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सहारी ने बयान भी दिया है। उनका कहना है कि हूती ने एडन की खाड़ी में इजराइल से जुड़े दो जहाजों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। याया सारी का दावा है कि उनका ये हमला एकदम सटीक रहा है। हूती के मुताबिक एडन की खाड़ी और अरब सागर में एमएससी डिएगो और एमएससी जीना पर हमला किया गया है। इसके बाद अरब सागर में एक अन्य जहाज एमएससी विक्टोरिया पर भी मिसाइल से दो बार हमला किया गया। पहला हमला हिंद महासागर में और दूसरा हमला अरब सागर में किया गया। نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية مشتركة من خلال القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية استهدفت سفينتين على النحو التالي: الأولى سفينة MSC ديجو الإسرائيلية في خليج عدن، والأخرى سفينة MSC جينا الإسرائيلية في خليج عدن. وقد تمت عملية الاستهداف بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. ونفذت القوات الصاروخية عمليتين نوعيتين استهدفت سفينة MSC فيتوريا في المحيط الهندي، والأخرى على نفس السفينة في البحر العربي، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله. मई हूती के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा है कि जो भी जहाज इसराइल या कब्जे वाले फिलिस्तीन तक सामान की सप्लाई लेकर जाएगा उस पर हमला जरूर होगा, चाहे वो जहाज कहीं भी जा रहा हो। مع العدوان الاسرائيلي على رفح تشمل اي سفن لاي شركه لها علاقه بالامداد او نقل بضائع للعدو الاسرائيلي والى اي جهه ستتجه، يعني ليست المساله مشروطة بأنه إذا كانت ستتجه إلى ميناء من موانئ فلسطين المحتلة محملة ببضائع العدو الإسرائيلي، طالما وتلك الشركة ترسل سفنا للموانئ في فلسطين المحتلة لصالح العدو الإسرائيلي لصالح العدو الإسرائيلي فستتخذ ضدها هذه الإجراءات في أي مكان كذلك تطاله أيدينا. बड़ी बात यह है कि हूती ने जिन मालवाहक जहाजों पर ये हमले किए हैं उनमें से एमएससी डिएगो पनामा का झंडा लगाकर ओमान से जबूती जा रहा था, जबकि एमएससी जीना श्रीलंका से जबूती जा रहा था। वहीं एमएससी विक्टोरिया पनामा का झंडा लगाकर भारत की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि हूती के इन हमलों को लेकर अमेरिकी सेना सेंटकॉम ने अलग ही दावा किया है। उसका कहना है कि जिन तीन ड्रोन और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों को हूती ने एडन की खाड़ी में दागा था उन्हें या तो गठबंधन सेनाओं ने मार गिराया या फिर वो समुद्र में ही गिर गए थे।
आपको ये भी बता दें कि हालिया दिनों में हूती ने हिंद महासागर में अपने हमले बढ़ा दिए हैं और इसको लेकर हूती के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा था कि पिछले 7 महीनों में 112 जहाजों पर हमले किए गए। इनमें वो जहाज भी शामिल हैं जो इजरायली बंदरगाह की तरफ सामान लेकर जा रहे थे।